आपको अपने फादर की सबसे अच्छी बात क्या लगती है और शिकायत किस बात पर है? शिकायत तो मुझे नहीं लगता मुझे इनसे किसी भी बात पर होगी। इनकी अच्छी बात यह है कि इन्होंने हमेशा गलत क्या है और सही क्या है उसका उन्हें हमें डिफरेंस बताया है और फिर हमें डिसीजन लेने दिए कि अच्छा ठीक है अब आपने कहाँ चलना है। गाइडेंस उन्होंने पूरी दी है। क्या आपने अपने फादर की सारी फिल्में देखी हैं? जब से मैं पैदा हूँ तब से सारी देखी हैं। आपको जो फिल्मों के अंदर जो वायलेंस है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने जब स्कूल चेंज किया था तो वहाँ पे इनकी मूवी से मुतासर होकर मोलॉजी से मुतासर होकर एक प्ले हो रहा था तो मैं नहीं आई थी तो मेरी एक फ्रेंड बनी, मैंने उसे बताया, मैंने कहा पता है ये मेरे अबू ने मूवी लिखी है तो उसने जाके बाकी सबको बता दिया। उसने कहा कि हाँ भाई तुम्हारे अबू से मिलना है, बुलाओ उन्हें बुलाओ उन्हें। तो मैं बड़ी खुश, मैंने कहा ठीक है। मैंने अबू कहा अबू आपने मुझे स्कूल लेने आना है, ठीक है अभी आए। जैसी इनकी हालत होती है टाई पहनी हुई है प्रोफेसर लग रहे होते हैं तो वो बेचारे बच्चे इतने वो कहते हैं कि ये आप अंकल आप ऐसे दिखते हैं, हमें लगा कोई मूछों वाला मोटा सा एक बदमाश चला आ रहा होगा जैसे आप मूवीज देखते हैं, आप ऐसे तो बिल्कुल भी लगते हैं। क्या आपको अपने वालिद की क्या सलाहियत लगती है जो ये हर फिल्म इनकी कामयाब हो जाती है? कि स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है और डायलॉग्स तो खैर हम जानते हैं कितने अच्छे हैं। वालिद के बाद आप भी शोबिज की दुनिया में आपने कदम रख दिया है तो कैसा लगता है, क्या लोग कितना वेलकम करते हैं या वालिद की वजह से मुश्किलात पेश आई? लोग बहुत इज्जत करते हैं, बेटी बना लेते हैं जब उनको पता चलता है क्योंकि अबू ने किस किस के साथ है जो काम नहीं किया, उन सबकी गोद में मैं बड़ी हूँ, सब ने मुझे बचपन से देखा है। और मुश्किलात ये हैं कि इनके नाम को पे पूरा उतरना ये बहुत बड़ा एक प्रेशर है।